और अब खबर पश्चिम बंगाल से आपको बताते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को लगा है एक और झटका। टीएमसी उम्मीदवार सरला मुर्मू ने टिकट मिलने के बाद भी टीएमसी छोड़ दी। सरला मुर्मू आज बीजेपी भी ज्वाइन कर रही हैं। टीएमसी ने हबीबपुर विधानसभा सीट से मुर्मू को टिकट दिया था, लेकिन वो मालदा सीट से टिकट की मांग कर रही थी। मनचाही सीट से टिकट नहीं मिला तो मुर्मू ने दीदी को धोखा दे दिया। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, लगातार एक के बाद एक दीदी को झटका लगता हुआ पश्चिम बंगाल में नजर आ रहा है। सरला मुर्मू, जिनको बाकायदा टीएमसी की तरफ से टिकट दिया गया था हबीबपुर असेंबली से, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ दिया और आज ही वो बीजेपी भी ज्वाइन करने वाली है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहवाल हमारे साथ जुड़ गई। मनोज्ञा, दीदी को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। कुछ तो पहले बागी हो रहे थे कि टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन सरला मुर्मू तो टिकट मिलने के बाद भी छोड़कर आ गई टीएमसी। हबीबपुर सीट से उनका टिकट मिली थी, लेकिन उन्हें टिकट दूसरे मालदा की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए थी, जिसके बाद नाराजगी के तौर पर अब कैंडिडेट ही, ये शायद पहला होगा बंगाल के इतिहास में जब उम्मीदवार ही पार्टी छोड़कर चला गया, वो भी तब जब दीवारों पर नाम लिख दिया गया है कि इनको तृणमूल कांग्रेस के सिंबल पर वोट दें। सरला मुर्मू ने ये काम कर दिखाया और अभी कोलकाता में आज दोपहर के बाद किसी समय भी पहुँच कर मालदा के कई जिला परिषद के लोगों के साथ वो बीजेपी में शामिल होंगी। दो बड़ी बातें होंगी इसमें। पहला ये कि अगर मालदा जिला परिषद के बाकी कई अधिकारी या जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो शामिल हो जाते हैं तो ये टीएमसी के लिए बड़ा झटका होगा। और दूसरा, अगर कोई उम्मीदवार ही पार्टी छोड़कर चला जाए तो उसमें पार्टी की किरकिरी जरूर होती है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम उम्मीदवार बदल रहे हैं। अब अगर तबीयत ठीक नहीं है तो बीजेपी में शामिल होकर वहां से उम्मीदवार कैसे बन रही हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक मुझे एक बात बताइए, सवाल ये भी है कि टीएमसी आखिर क्यों नहीं अपने लोगों को रोक पा रही है, और ऐसी स्थिति में जब चुनाव की घोषणा हो गई, टिकटों की घोषणा हो गई, नाम सामने आ गए, उसके बाद ये कहां पर फेल हो रही है टीएमसी? क्या रणनीति है जहां चूक हो रही है? देखिए, दो बातें हैं। तृणमूल कांग्रेस ने हर बार दीदी के कहने पर हर काम किया है। अभी भी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ही सर्वे सर्वा हैं पूरी पार्टी में, लेकिन इस बार फीडबैक सिस्टम पीके का है और उसके साथ कई और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, जो फाइनल टिकट दे रहे हैं सबको। उम्मीदवार की लिस्ट जाने के बाद लोगों में नाराजगी होना तय था, क्योंकि अगर 3000 एप्लीकेशन हैं और सिर्फ 294 लोग इसे पास करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 2500 लोग नाराज होंगे। लेकिन अगर उम्मीदवार ही नाराज हो जाए, बात आप कह रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, क्योंकि टिकट मिलने के बाद भी अगर उम्मीदवार पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो कई सवाल पार्टी में जो कर प्रणाली है अंदर उस पर भी खड़े होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।